वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यहां मैं आ गई हूं किचन में सुबह सुबह चाय बनाने के लिए। अदरक वाली अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूं, अपने लिए बना रही हूं और हेल्पर के लिए। और रात की लेफ्टओवर सब्जी थी तो उसे मैं अलग कढ़ाई में निकाल के इसे गर्म कर रही हूं। और यहां मैं पानी में पानी कर रही हूं क्योंकि मिर्ची अब कुछ देर में निकलेगी। और रात की लेफ्टओवर सब्जी या रोटी रहती है ना, तो अभी मतलब ठंड के मौसम में तो ख़राब होने वाली है नहीं, तो मैं ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय बन रही है और चाय मैं पी रही हूँ। यहाँ पे टीवी टिक टिक कर आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। सुबह की चाय ना रिलैक्स होकर पीना चाहिए अकेले आराम से, ताकि ना पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहो, क्योंकि सुबह की शुरुआत ना रिलैक्स से होना चाहिए। कोई भी हड़बड़ी वाला काम नहीं। और चाय ऐसा चीज़ है कि आप जब रिलैक्स होकर पीते हो तभी आप चाय का मज़ा ले सकते हो। और यहाँ पे आज मैंने सुरेश काका को बुलाया था क्योंकि बगान बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था। सूखे पत्ते वगैरह सब झड़ झड़ के ना मतलब पूरा मिट्टी गंदा हो गया था, तो उसको साफ़ किए सुरेश काका और मिट्टी को कोड़ दिए अच्छे से। और शायद मिट्टी में ना खाद दवाई डालना पड़ेगा क्योंकि ना पेड़ पौधे ना अच्छे से उग नहीं रहे हैं। मतलब गेंदा का पेड़ मैंने लगाया था लेकिन अच्छे से प्रॉपर उग नहीं रहे हैं। और डालियाँ वगैरह मैंने इधर लगाए हैं। और ये देखिए गुलाब का जो पेड़ था, तना इसका इधर से उधर पूरा छितर गया था, तो उसको मैंने छटवा दिया। अब अच्छे से प्रॉपर सीधा होकर निकलेगा। और ये डालिया का पेड़ लगाया मैंने। और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का गुलाब फूल ना बहुत अच्छे से निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए सुरेश काका ये जो लत्ती वाले पेड़ है, नीला वाला जो फूल होता है, लीली शायद नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें खम्बा मतलब बांस गाड़ के ना उसको बांध दिया ताकि वो सीधा प्रॉपर हो गया। और ये करी पत्ता यहाँ पर भी एक डालिया का पेड़ मैंने लगाया। और ये सदाबहार शायद फूल के पेड़ है, आई थिंक, मुझे कंफर्म मैं नहीं हूँ, शायद सदाबहार ही है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ना सालों पर अच्छे से उगते हैं, आई डोंट नो व्हाई, और बाकी सब जल्दी ठीक से उगते नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो कल के थे रियांश के, वो मैंने धूप में दे दिए ताकि प्रॉपर अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ बहुत सारा वेजी डाल के हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट। और इसमें मैंने छोटा पैकेट वाला छोटू पैकेट वाला मैगी डाला है, तो लेकिन वेजी मैंने बहुत ज़्यादा डाला है और मैं इतना नहीं खाने वाली हूँ। मैंने बना लिया, मुझे लगा कि बहुत कस के भूख लगा हुआ है, मैं खा लूँगी, लेकिन मैं इतना नहीं खा पाई, इसका हाफ ही खा पाई। लेकिन वेजीज मैंने बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि नूडल्स से हो या फिर मैगी, मुझे बहुत सारा वेजीज वाला पसंद है। और मैं सूपी टाइप से ही पसंद करती हूँ, उसका सूप पी पी कर मतलब इन्जॉय करके आराम से खाती हूँ। मतलब इसका अलग ही मज़ा है। वो ड्राई वाला फ्राई वाला भी मुझे पसंद है लेकिन ऐसे सूप वाला ज़्यादा पसंद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइनल लुक, कितना सारा वेजीज है। मैगी कम है लेकिन वेजीज बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने फूलगोभी डाला है, प्याज, गाजर, टमाटर, हरा मटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बस इसमें मैंने सेजवान सॉस डाला है और सोया सॉस, बाकी और कोई सॉस नहीं डाला है। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है क्योंकि सेजवान सॉस डालने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है नूडल्स, मैगी वगैरह। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेने के बाद मुझे कुछ काम ही समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चे सबका मतलब आदत हो गया था, 20-22 दिन वो लोग स्कूल ही नहीं गए थे, ठंड के कारण छुट्टी थी, तो उस समय तो आदत हो गई दोनों बच्चों का। ब्रेकफास्ट करने के बाद मस्ती होता था, पढ़ाई वगैरह हुआ, उन लोगों को देखना, मतलब बच्चे सब अलग अलग घर में करते रहते थे, तो लगता था कि हाँ मतलब दिन कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब बच्चे सब अपना टाइम टेबल पकड़ लिए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं करूँ तो क्या। तो ये बास्केट रियांश का और मेरा जो है जो डेली यूज़ का है, एक महीना हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे बैठे बैठे मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर रियांश का बास्केट देखिए अच्छे से प्रॉपर क्लीन हो चुका है, ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया है, पहले बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। और ये अब मेरा डेली रूटीन का। और यहाँ ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, ठीक ही था, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाद में मैं फिर से स्विच की पलम में क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसे ना मेरा पिंपल्स बहुत हद तक कंट्रोल करता है। एंड ये ग्रीन टी का है, मतलब प्लम का जो ग्रीन टी का प्रोडक्ट है ना, मॉइस्चराइजर टोनर वगैरह, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है और पिंपल्स वगैरह भी कम निकलता है। तो यहाँ पे देखिए एक महीना से ऊपर हो गया था, तो मैंने सोचा बैठे बैठे चलो यही क्लीन कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और ये दो जो है सनस्क्रीम, ये फेस के लिए मैं यूज करती हूँ न्यूट्रोजेना का, और ये बायोटिक का जो सनस्क्रीम है ये मैं बॉडी के लिए यूज करती हूँ। मतलब बॉडी लोशन लगाने के बाद ना फिर मैं ये बायोटिक का सनस्क्रीम यूज करती हूँ।
मीन्स मतलब हम लोग के लिए ना जितना फेस के लिए ज़रूरी होता है सनस्क्रीन, बॉडी के लिए भी जितना भी ओपन पार्ट होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे टैनिंग वगैरह हाथ में गर्दन वगैरह में होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए रेयांस का बास्केट अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पर ये टॉवेल है रेयांस का, दो टॉफी ऊपर मैंने रख दिया है। फिर उसको सर्दी वगैरह नाकबंद की प्रॉब्लम हो जाती है तो नोजल ड्रॉप मैंने रखा है। उसका फेस क्रीम, पाउडर, बॉडी लोशन दो तरह का है, और ये मामा अर्थ का सनस्क्रीन ऑल टाइम मेरा फेवरेट। और उसके बाद ये छोटू सा पैकेट वेप्स, और ये छोटू सा पैकेट है मल्टीपर्पज कॉटन गोल्ड टाइप में है, मतलब ऐसे कोई चीज़ में फ्री दिया हुआ था। रियांस का वॉच है, और एक ये ऊपर में ये भिक्स रखा हुआ है रियांस का बेबी रब। तो ये रियांस का नेसेसरी चीज़ जो डेली यूज करता है, इसका एक बास्केट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। नाउ लुक्स गुड, पहले के अकॉर्डिंग आई थिंक लुक्स रियली गुड। तो यहाँ देखिए बैठे बैठे काम भी हो गया, अब मैं जा रही हूँ लंच का प्रिपरेशन वगैरह करके रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कुछ देर टीवी देखूँगी और उसके बाद जाऊँगी प्रिपरेशन करने थोड़ा लेट से, और साथ ही साथ मैं बना भी लूँगी। और यहाँ पे देखिए मीठी भी आ चुकी है, वो फ्रेश हो चुकी है, और कुछ देर में बउआ भी आ गया, मतलब रियांस या मेरे हस्बैंड फ्रेश हो रहे हैं बेसिन में। और यहाँ पे देखिए रियांस आते के साथ इसका बदमाशी शुरू हो गया, कुरकुरे लेते हुए आया है वो मार्केट से। और यहाँ पे देखिए, तो चलिए इसको मैं फ्रेश वगैरह कर देती हूँ और जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लंच में मैंने बनाया था सिंपल आलू की भुजिया और पराठा, और ये पत्ता गोभी मटर की सब्जी जो है वो ब्रेकफास्ट टाइम की है, ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा बनाया था। और यहाँ पे मैं रियांस को खिला रही हूँ, मीठी खाकर जा चुकी है कोचिंग, मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं स्कूल, और यहाँ मैं रियांस को खिलाने के बाद फिर उसे नैप दिलवाऊँगी। और आज मैं लंच नहीं करने वाली हूँ, होगा तो कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मुझे आज भूख नहीं लग रही है। तो बस यही होता है मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन, बच्चे और हस्बैंड के स्कूल जाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अपने लिए टाइम निकालती हूँ और घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो रियांस को मैंने सुला दिया है और मैं जा रही हूँ अपने लिए अब कॉफ़ी बनाने। यहाँ कॉफ़ी पीने के बाद मैंने छोटा सा नैप लिया, और यहाँ बच्चों का शोर शराबा स्टार्ट हो चुका था, और रियांस आज थोड़ा सा ही नैप लिया, वो उठ के चल गया था खेलने के लिए, तो उसी का आवाज़ मैंने सुना तो उठ गई मैं। और यहाँ पे देखिए मीठी और अमन खेल रहा है, मीठी कोचिंग से आज जल्दी आ गई थी, आई डोंट नो व्हाई, तो समय से आ गई थी एक्चुअली, वो 15-20 मिनट लेट आती थी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े उतार लिए क्योंकि शाम हो रही थी, और यहाँ रियांस काइट से खेल रहा है, एक्चुअली वही हल्ला कर रहा था। मीठी दीदी काइट उड़ा दो, लेकिन मीठी बैडमिंटन खेलने में बिजी थी, उसका काइट भी नहीं उड़ा दे रही थी, तो वही मैं बोली कि आती हूँ चाय पी के रियांस रुको तब मैं काइट तुम्हारा उड़ा दूँगी, तो बस उसी में वो शांत हो गया, खुद से काइट उड़ा रहा था। सो गाइस मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, कि शाम में ना चाय पीने के बाद ही थोड़ा मूड फ्रेश होता है और उसके बाद कुछ काम करने का मन करता है। सब बच्चे सब अभी खेल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मैं उन लोगों को दूध दूंगी, पहले चाय पी लेती हूँ। ओके, तो जैसे गई मैं किचन में चाय बनाने के लिए ना, वैसे मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनके साथ एक सर थे, तो उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। और फिर कुछ देर में रियांस के सर भी आ गए, आज टाइम से पहले आ गए थे, तो उनको कहीं बाहर जाना था तो वो टाइम से पहले आ गया, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, रियांस के सर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और एक सर है उनके साथ, और अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 कप मैंने लगाया है और यहाँ पे बन रही है चाय शाम की। तो यहाँ लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और आसपास उसी के हो रहे होंगे। यहाँ मैं स्कूल का होमवर्क उसे करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही होमवर्क था, तो मैं बोली कि चलो कर लो, इसके बाद मैं जाऊँगी स्नैक बनाने के लिए। वैसे चाय बनाने वक्त मैंने स्नैक का भी प्रिपरेशन कर दिया था। और यहाँ पे ये रियांस जो है ना सरस्वती पूजा में ये लालटेन और कुछ टॉयज़ खरीद के लाया था, देखिए वहाँ पे रखा हुआ है, तो ये लालटेन चला कर ना, ये मतलब ये लाइट वाला आता है ना, वही चला कर देखिए यहाँ पे होमवर्क करा, उसको पता ही लालटेन का क्या शौक चढ़ा हुआ था। देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा लालटेन है, कितना अच्छा लग रहा है।
है ना, या मैं रियांश को होमवर्क करवा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी स्नैक बनाने के लिए। रियांश बोला था उसका टमी फूल है, उसको नहीं खाने का मन था, तो मैं अपने प्लेट में से उसे खिलाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने स्नैक बना ली, और स्नैक में मैंने बनाया चूड़ा फ्राई ढेर सारा हरा मटर के साथ, और इसी में मैं रियांश को भी खिला रही हूँ, अपने हस्बैंड को मैंने दे दिया है, और मीठी भी खा रही है टीवी देख देख कर। हम लोग यहाँ पर स्नैक को इन्जॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी रात का डिनर बनाने के लिए किचन। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, और यहाँ मैंने कढ़ाई में सबसे पहले पानी चढ़ाया, उसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, और यहाँ मैं सोयाबीन को बॉईल होने के लिए दे रही हूँ। और यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह, साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। बहुत हद तक मैंने प्रिपरेशन दोपहर में ही किया था, क्योंकि प्याज वगैरह मैंने कट करके रख दिया था, रात में तो बनना ही था, लेकिन क्या बनने वाला था वो पता नहीं था, तो मैंने बच्चों से पूछा तो वो बोला कि सोयाबीन चिली खाना है। तो यहाँ मैं प्याज जो कटा हुआ था बड़े बड़े पीस में, उसको चॉप मैंने कर दिया है, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह सब चॉप कर दिया, और अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया, और यहाँ साथ ही साथ मैं आटा भी गूंद कर रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों काम एक साथ करने वाली हूँ, रोटी का भी तैयारी कर रही हूँ और सोयाबीन चिली बनाने का भी तैयारी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, फिर अदरक और लहसुन मैंने डालकर उसको हल्का सौती किया हरी मिर्च डालकर, और फिर मैंने इसमें सोयाबीन डाल दिया, उसमें डाला थोड़ी सी हल्दी और नमक, नमक मैं कम ही डाली क्योंकि सॉस वगैरह में नमक रहता है। तो उसको हल्का भूनने के बाद फिर इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाला, उसको मैं ढककर भून रही हूँ। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी कम ही बनाना था तो जल्दी बन भी जाएगी, और फिर मैं आराम से सब्जी में सॉस वगैरह मिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन में लगे हाथ भून रही हूँ, और इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस, टमाटो सॉस वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे रोटी देखिए बन रही है क्विक, और गर्म गर्म ही हम लोग डिनर करने वाले हैं। अभी लगभग 7:30-8 लगभग बज रहे होंगे, और जब तक मेरा डिनर कंप्लीट होगा 8 बज चुके होंगे। और सोयाबीन चिली वगैरह में आप प्याज पहले भूनकर डालो सोयाबीन, या फिर बाद में प्याज डालो, सॉस मिलने के बाद ना सबका टेस्ट एक ही हो जाता है, वैसे भी टेस्टी लगता है और ऐसे भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं एक तरफ सोयाबीन भी भून रही हूँ, और लगे हाथ कुछ बर्तन वगैरह थे सिंक में जो मुझे सुबह में ज़रूरी है लंच बॉक्स रेडी करने के लिए बच्चों का, तो वो भी लगे हाथ मैंने वॉश कर दिए। तो यहाँ सोयाबीन अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाला सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस और हल्का पानी देके इसका अच्छे से ग्रेवी रेडी किया, और इसके बाद मैंने डाला इसमें मरीच पाउडर। इसे मैं और 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी, और सोयाबीन चिली रेडी है। I've been high, I've been high, lately I've been high, I've been तो यहाँ पे देखिए मेरा डेली रूटीन जो होता है रात के टाइम में किचन डीप क्लीन करना, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि सुबह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, डायरेक्ट मैं किचन में आऊँ, चाय बनाऊँ, बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ डिनर वगैरह हो गया है हम सबका, और यहाँ रात में थोड़ा देर मैं वॉक कर रही हूँ, और अमन आया हुआ बैडमिंटन खेलने के लिए। आजकल ये लोग रात में बैडमिंटन खेलते हैं 9 बजे तक, उसके बाद फिर अमन चले जाता है घर। और यहाँ पे देखिए रियांश भी अभी तक जगा हुआ है, वो भी बोल रहा है खेलूंगा, लेकिन अभी वो प्रॉपर सीखा नहीं है। होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो, आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।